जी हाँ, एक समय ऐसा था कि तापसी पन्नू को देखकर प्रोड्यूसर मिलना तक नहीं चाहते थे और इनको फिल्म में लेने की बात तो बहुत दूर थी। प्रोड्यूसरों का मानना था कि तापसी पन्नू एक पनौती हैं और अगर हम इनको फिल्म में लेंगे तो इनके साया से हमारी फिल्म ज़रूर फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन तापसी पन्नू ने हिम्मत नहीं हारा। यहाँ तक कि तापसी पन्नू को डील करने वाली उनकी एजेंसियाँ भी मानती थी कि तापसी पन्नू बॉलीवुड पर अच्छा मुकाम नहीं पा पाएंगी। लेकिन तापसी पन्नू ने हार नहीं मानी और वो लगी रही। इससे पहले उन्होंने साउथ की बहुत सी फिल्मों में काम किया था। बॉलीवुड में उन्होंने डेविड धवन की फिल्म से एंट्री की थी लेकिन फिल्म में उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। उनके अपोजिट वरुण धवन थे। उसके बाद उन्होंने बेबी के फिल्म में भी अक्षय कुमार के साथ एक छोटे से किरदार के रूप में नज़र आई थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन के फिल्म से इनको काफ़ी लोकप्रियता मिली। मुल्क के अभिनय को लोगों ने सराहा और तापसी ने एक मुकाम हासिल किया। और आप अभी देख रहे हैं मिशन मंगल। मिशन मंगल तापसी की लाइफ की सबसे हिट फिल्म में साबित हो गई है बॉलीवुड में और इन्होंने एक अच्छे अदाकारा के रूप में बॉलीवुड में अपने आप को अब स्थापित कर लिया है। अब इन्हें कोई भी पनौती नहीं कहता। अमिताभ बच्चन के साथ भी मूवी में इनके दमदार अभिनय को लोगों ने काफ़ी सराहा था। हम तापसी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।